नमस्कार दोस्तों, आरसीए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको आपसे संबंधित सारी जानकारियां समय समय पर सही सटीक विस्तार से देने का प्रयास किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन इन खबरों को जानने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। आज की पहली बड़ी खबर है सीटों का अपडेट ना होने पर पॉलिटेक्निक काउंसलिंग ठप। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया पहले ही दिन दगा दे गई। दिन भर छात्र पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट लॉगिन करते रहे लेकिन पंजीकरण नहीं कर सके। एनआईसी द्वारा सीटों का ब्यौरा अपडेट न करने की वजह से यह प्रक्रिया देर शाम तक शुरू नहीं हो पाई। समस्या दूर करने के लिए दिन भर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद और एनआईसी जुटा रहा लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के अंतर्गत गुरुवार से पंजीकरण प्रक्रिया व च्वाइस फिलिंग शुरू होनी थी। छात्र पूरे दिन परिषद की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए जूझते रहे लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। गरीब वर्ग के सवर्ण छात्रों के लिए 10% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसके लिए सभी पाठ्यक्रम में 25% सीटें बढ़ाई गई हैं। सीटों के इसी गठजोड़ को एनआईसी अपडेट नहीं कर पाया है। वही अंत समय में कई निजी कॉलेज भी काउंसलिंग प्रक्रिया में जुड़े हैं, उनकी सीटों को भी शामिल किया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एस के वैसैया ने बताया कि सीटों को अपडेट करने व फीड करने की प्रक्रिया चल रही है, गुरुवार रात शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीबीआई कर रही है स्केलिंग की जांच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार की जांच कर रही सीबीआई पीसीएस सहित अन्य भर्तियों में नंबरों की हुई स्केलिंग में गड़बड़ी की शिकायतों की पड़ताल कर रही है। सीबीआई के एक बड़े अफसर स्केलिंग प्रकरण की जांच कर रहे हैं। एक विषय में एक समान नंबर पाने वाले दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों में किसी का नंबर बढ़ाने और किसी का नंबर कम होने की शिकायतें सामने आई थी, जो कि एक आम शिकायत हो चुकी है। एक चौंकाने वाली शिकायत भी हुई है। इस शिकायत में कहा गया है कि एक ही विषय में अगल बगल के दो अभ्यर्थियों को मिले नंबरों में भी काफी अंतर पाया गया है, जबकि दोनों कॉपियों का मूल्यांकन एक ही शिक्षक ने किया है। शिकायत में कहा गया है कि एक ही शिक्षक द्वारा जांची गई कॉपियों में एक समान नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की स्केलिंग के बाद नंबर में अंतर आखिर क्यों। खास बात यह है कि स्केलिंग में जिसके नंबर बढ़े हैं वे इंटरव्यू में शामिल हुए थे। सीबीआई जांच के दौरान आयोग के अफसरों और कर्मचारियों से इस बात को समझ रही है आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब भ्रष्टाचार की तो जांच हो रही, एक महाभ्रष्टाचार की जांच हो रही है स्केलिंग प्रॉब्लम। जहां जहां स्केलिंग होता है सभी को जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन जो लोग शिकायत किए हैं, जो लोग साक्ष्य दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है, उस पर जो है सीबीआई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जांच कर रही है। अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर है सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी 4,465 सीटें। इस साल एमबीबीएस में प्रवेश की राह देख रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने के बाद सरकार ने 132 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 4,465 सीटें बढ़ा दी है। ये सीटें पहले से तय 74,215 सीटों के अलावा होंगी। सरकार ने सीट बढ़ाने के लिए अब तक आवेदन नहीं करने वाले 6 राज्यों को 28 जून तक अतिरिक्त समय दिया है, यानी सीटों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। सरकार ने इस साल संविधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रावधान किया था। इसके बाद सभी सरकारी मेडिकल संस्थाओं में 25% सीटें बढ़ाने का ऐलान किया था। संस्थाओं को इसके लिए 2 साल का वक्त दिया गया था। अब आइए आज की चौथी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक परीक्षा की तिथि जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक घोषित हो सकती है। आपको बता दें यह परीक्षा केंद्र सुपरवाइजर पार्ट 2 हो सकती है, जो सूचना प्राप्त हुई है। अब आइए आज की पांचवी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अगले चेयरमैन होंगे डॉक्टर प्रभात कुमार, जिसके बारे में आरसीए न्यूज चैनल ने कल शाम को ही आपको जानकारी दे दी थी।
यह पोस्ट कम्युनिटी में किया गया था। जो लोग आरसीए न्यूज चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें कम्युनिटी पोस्ट नहीं मिला होगा, तो ये दुखी मत हों, आरसीए न्यूज चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो जानकारी मिलेगी थोड़ा विलंब से मिलेगी, लेकिन जो भी जानकारी आपको मिलेगी सही मिलेगी, सटीक मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे डॉक्टर प्रभात कुमार, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रभात कुमार का रिटायरमेंट 30 अप्रैल को हुआ है। डॉक्टर प्रभात कुमार बेहद अहम माने जाने वाले पद, कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के पद पर कार्यरत 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध यादव, उनका कार्यकाल 30 जून 2019 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संतुष्टि दे दी है। अब अगले जो चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, वे डॉक्टर प्रभात कुमार होंगे। प्रभात कुमार के आने से, जो डॉक्टर प्रभात कुमार हैं उनके आने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली में बेहद सुधार होगा, कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आरसीए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।